राजस्थान के जयपुर में करीब 157 करोड़ रुपए किए गए जब्त। नोटबंदी के बाद एक साथ जब्त की गई सबसे बड़ी अघोषित रकम। आयकर विभाग के छापे में जब्त की गई रकम। जब्त रकम में 138 करोड़ रुपए के 2000 के नोट भी मिले, बाकी रकम 500 के नए नोटों में। विलफ्रेंड एजुकेशन सोसाइटी का है बैंक। सोसाइटी की तरफ से संचालित दूसरे दफ्तरों पर भी छापेमारी जारी। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 16 किलो सोना जब्त। बीती रात बरामद किया गया सोना। दुबई से दिल्ली आ रहे दो परिवारों के पास से बरामद हुआ सोना। बच्चों के डायपर और तौलियों में छिपा कर रखा गया था सोना। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी का बड़ा अभियान। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने देश भर में कराया करीब 500 बैंक ब्रांचों का स्टिंग। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय की देखरेख में पूरा हुआ ऑपरेशन। मंत्रालय के पास पहुंची स्टिंग ऑपरेशन के करीब 400 सीडी। सरकारी और निजी दोनों ही बैंकों की ब्रांच का कराया गया स्टिंग ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक कई अहम सबूत सामने आए। सूत्रों की माने तो सीडी में बैंक अफसरों, पुलिस दलाल और जालसाजों की मिलीभगत से नोट बदले जाने के मिले सबूत। बैंकों के कामकाज पर ना पड़े असर, इसलिए फरवरी या मार्च तक टाल दी गई कार्रवाई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लॉ फर्म से मिले करोड़ों रुपए का मामला। लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन से जांच एजेंसियां कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक लॉ फर्म में मिली करोड़ों की रकम में गाजियाबाद के एक बिल्डर का पैसा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रोहित टंडन के देश में 18 अकाउंट हैं, देश के बाहर भी हो सकते हैं कुछ ऐसे अकाउंट। देश के बाद ब्लैक मनी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रोहित टंडन के लिंक को लेकर भी जांच। अगस्ता वेस्टलैंड केस में आरोपियों का वकील राय रोहित टंडन। नोटबंदी के बीच बैंकों में लगातार छुट्टी की आज तीसरा दिन। दिल्ली में कई बैंकों के एटीएम दिखे कैशलेस। आज तक ने नोटबंदी के 33वें दिन किया रियलिटी चेक। हालत में नहीं दिखा सुधार। दिल्ली में सर्द रात में एटीएम के बाहर दिखी कैश के लिए कतार। रियलिटी चेक में दिल्ली का दिल कैनॉट प्लेस का दिखा बुरा हाल। सिर्फ दो एटीएम ही काम करते दिखे, रात में भी लंबी लाइन आई नजर। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के बाहर शाम से लाइन में लगे थे लोग, रात को भी नहीं आया कैश निकालने का नंबर। नोटबंदी में खस्ताहाल व्यवस्था के खिलाफ फूटा लोगों को गुस्सा। नारेबाजी का जमकर निकाली भड़ास। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में एमपी कैंटीन में लगा एटीएम भी रियलिटी टेस्ट में हुआ फेल। वीआईपी एटीएम भी था कैशलेस। आज तक के रियलिटी चेक में नोएडा के एटीएम भी फेल। सेक्टर 18 मार्केट में कई एटीएम हैं, लेकिन रविवार रात सिर्फ एक एटीएम से निकला कैश। खाली एटीएम देखकर आग बबूला हो रहे जरूरतमंद, उठा रहे हैं सवाल। रेड में आकर कैसे पकड़े जा रहे हैं करोड़ों के नए नोट। लखनऊ में एक्सिस बैंक की मेन ब्रांच में ही एटीएम खाली। 4 एटीएम में से सिर्फ एक में मिला कैश। हजरतगंज में ज्यादातर एटीएम दिखे कैशलेस। कहीं एटीएम खराब होने तो कहीं कैश नहीं होने का दिखा सूचना पट। हजरतगंज में एसबीआई के 2 एटीएम में कैश में लोगों की बंधी नजर आई उम्मीद, लिहाजा सरदरात में भी एटीएम के बाहर दिखी लंबी कतार। जयपुर में रेलवे स्टेशन के करीब का एटीएम भी दिखा खाली। यात्री के हाथ आई सिर्फ मायूसी। जयपुर में यात्रियों ने सुनाया दुखड़ा। कहा होटल मालिक, दुकानदार, ऑटो टैक्सी चालक भी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए राजी नहीं, अपनी जरूरत का देते हैं हवाला। नोटबंदी के बाद ममता सरकार और केंद्र की बड़ी दूरी का आसनसोल में दिखा अलग ही नजारा। नगर निगम ने 40 पेट्रोल पंप पर लगाए इश्तेहार। आसनसोल में पेट्रोल पंप पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लगाया गया इश्तेहार। एक सप्ताह में मांगा टैक्स का हिसाब। इश्तेहार में 500 और 1000 के पुराने नोटों पर जानकारी भी दी गई। 31 दिसंबर तक बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा कराए जा सकेंगे नोट। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कई एटीएम में कैश नहीं। जिन एटीएम में कैश वहां लंबी लाइन है। आगरा में पैसों की तंगी से परेशान शख्स ने राइफल से खुद को मारी गोली। बेटी के मुताबिक कई दिनों से एटीएम की लाइन में लगकर लौट रहे थे खाली हाथ। गाजियाबाद पहुंचे आजम खान। मोदी सरकार पर जमकर बरसे नोटबंदी में जौहर विश्वविद्यालय में काम कर रहे वाले 4000 लोगों को के बेरोजगार होने का दिया हवाला। आजम खान ने कहा, जौहर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कैसे दू वेतन, इस बात की चिंता ना, वो लाइन में लग सकते हैं ना मेरे पास लाइन में लगने का वक्त। यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान ने गाजियाबाद में गंगा जल प्लॉट का किया लोकार्पण। प्लॉट के 100 क्यूसेक गंगा जल सप्लाई करने का क्षमता। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहे साइक्लोन। वर्धा की रफ्तार बेहद तेज। चेन्नई के करीब पहुंचा वर्धा। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की अभी भी रफ्तार। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ने वर्धा तूफान को लेकर अलर्ट। एनडीआरएफ की 13 टीमों को किया गया तैनात।
वर्धा तूफान के मद्देनजर विशाखापट्टनम में बनाया गया साइक्लोन वार्निंग सेंटर लगातार रखी जा रही है नजर। रेल और हवाई यातायात प्रभावित, चेन्नई एयरपोर्ट से 27 उड़ानों को किया गया डायवर्ट, 26 फ्लाइट देरी से, 4 ट्रेनों को किया गया रद्द। नौसेना ने 2 शिप INS शिवालिक और कदम को अलर्ट पर रखा, जहाज पर डॉक्टरों गोताखोरों की टीम के साथ करीब 5,000 लोगों के लिए पर्याप्त राहत सामग्री। झांसी के बीजेपी युवा सम्मेलन के दौरान दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, केंद्रीय मंत्री उमा भारती एक स्टूल पर चढ़कर देती हैं भाषण, पूरे वक्त स्टूल पकड़कर बैठा रहा सुरक्षा अधिकारी। ऊंचे डायस के माइक तक पहुंचने के लिए उमा भारती को स्टूल का लेना पड़ा सहारा, लेकिन आयोजकों की गलती का सुरक्षा अधिकारी ने भुगता खामियाजा। गाजियाबाद के मोहननगर में हुआ बीजेपी का महिला सम्मेलन, प्रदेश बीजेपी महिला अध्यक्ष स्वाति सिंह और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की पत्नी भारती सिंह ने की शिरकत। स्वाति सिंह ने यूपी में बीजेपी सरकार आने पर महिलाओं की सुरक्षा का किया वायदा, नोटबंदी को बताया सराहनीय फैसला। नोटबंदी पर तूफान लाने वाले राहुल गांधी के बयान का यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने उड़ाया मजाक, बोली फैक्ट्री में आलू उगाने वाले से कुछ भी संभव। पंजाब में सीएम उम्मीदवारी पर केजरीवाल का सस्पेंस बरकरार, नहीं किया सीएम उम्मीदवारी से इनकार, बोले जनता करेगी फैसला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की जीएसटी काउंसिल मीटिंग, डुअल कंट्रोल समेत कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। राष्ट्रपति भवन में 3 पुस्तकों का हुआ विमोचन, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेंट की फ्रॉम राज टू स्वराज पुस्तक की पहली प्रति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो दिल्ली पहुंचे, 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं विडोडो। भारत दौरे पर आई नगुएन थी किम गया ने, बौद्ध मंदिर जाकर बुद्ध के किए दर्शन, वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं नगुएन किम। कोहरे के चलते ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 की मौत। बाराबंकी में लुटेरों के अंतर्राज्य गिरोह का खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में चाय विक्रेता की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवरिया में नवविवाहिता की मौत का मामला, दहेज के लिए हत्या का आरोप, कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देवरिया में फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, पायलट की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तकनीकी खराबी के चलते पायलट ने हेलीकॉप्टर लैंड कराने की कोशिश की, मुंबई दर्शन करने के लिए परिवार को ने बुक कराया था चॉपर। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क हादसे के बाद लगी आग में 5 गाड़ियां जलकर खाक, 2 लोगों की झुलस कर मौत, 3 जख्मी। दिल्ली के विनोद नगर में बेलगाम कार ने गर्भवती महिला समेत 3 बच्चों को कुचला, घर में पल रहे बच्चे की मौत। इंदौर उज्जैन स्टेट हाईवे पर करीब 40 लोगों ने टोल नाके पर की तोड़फोड़, 2 टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल। सोनीपत में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार बुजुर्ग दंपति की मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। झाबुआ में कीटनाशक पीकर नाबालिग प्रेमी जोड़े ने दी जान, पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के धौलपुर में एक बुजुर्ग की लाठियों से पीटकर हत्या, परिजनों ने दर्ज कराई रिपोर्ट। असम के मुंगोई गांव में वसूली की रकम लेने पहुंचा यूपीएलए का आतंकी गिरफ्तार, लांगमिंग बे के तौर पर हुई पहचान। कर्नाटक प्रशासनिक सेवा का अफसर बीमा नायक गिरफ्तार, खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी का करीबी ड्राइवर रमेश गौड़ा की खुदकुशी केस में हुई गिरफ्तारी। आदिवासी ड्रैगन फाइटर के 4 सदस्य असम के कोकराझार में गिरफ्तार, पुलिस ने राइफल और बम किए बरामद। दिल्ली के रोड़ी में हुए डबल मर्डर मामले में 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने किया केस सुलझाने का दावा। मुजफ्फरपुर में एक शख्स से फोन पर 15 लाख की रंगदारी की मांग, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। छपरा में गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने छापा मारकर पकड़ी अवैध विदेशी शराब की 450 पेटियां, फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं। अमृतसर में बुजुर्ग महिला और नौकरानी की हत्या के मामले में पुलिस ने पुराने नौकर को किया गिरफ्तार, लूट की नीयत से किए थे कत्ल। दिल्ली के MB रोड पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार फोर्ड गाड़ी, 3 लोगों घायल, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक होटल में एक शख्स ने खुद को मारी गोली, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। पटना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस को मिले तलवार और लोहे के रॉड, हत्यारे की तलाश जारी। राजस्थान के करौली में कोचिंग संस्थानों से रंगदानी मांगने वाला इनामी बदमाश बंटी गुर्जर गिरफ्तार, बेटी पर 2,000 का था इनाम। बुलढाणा में नकली 2,000 रुपए के नोट छापने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने छापा मारकर पकड़े 4 नकली नोट। गाजियाबाद के एक होटल में कमल सिंह चौहान नाम के शख्स ने गोली मारकर की खुदकुशी, मौके पर मिला सुसाइड नोट, जांच में जुटी पुलिस। शादी के दौरान फायरिंग में गई एक और की जान, सोनीपत के
सलीमसर माजरा गांव में हुई वारदात, पुलिस को फायर करने वाले की तलाश। बिहार के औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, एसयूवी और ट्रेलर की टक्कर में 5 की मौत। लातेहार में सुरक्षा बल ने बरामद किए कई प्रेशर कुकर बम, धमाका कर नष्ट किया। राजौरी के कालाकोटे में पुलिस ने एक बैंक में 90 लाख रुपए की चोरी को किया नाकाम। पुलिस की भनक लगते ही भागा बैंक में घुसा चोर। मुंबई में 65 साल की बुजुर्ग की हत्या, कांदिवली इलाके में हुई वारदात। विजयवाड़ा में 300 किलो गांजा बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने एक शख्स की जान ली, पानी में छलांग लगाकर भी खुद को बाघ से नहीं बचा पाया मृतक। बुलढाणा के तारापुर गांव में एक खेत में भालू ने जन्मे बच्चे, वन विभाग ने सूचना पर भालू और बच्चों को जंगल में छोड़ा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सूरत में एक महिला हेयर स्टाइलिस्ट ने 24 घंटे तक लगातार काटे बाल, 571 लोगों की हजामत की। मुंबई टेस्ट में भारत की एक पारी और 36 रन से शानदार जीत, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा। दूसरी पारी में 400 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट, भारत ने पहली पारी में ही बना ली थी 231 रन की बढ़त। अश्विन ने दोनों पारियों में झटके 6 विकेट, जडेजा ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में लिए 2 विकेट। लगातार 3 सीरीज में विराट ने जड़े दोहरे शतक, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ विराट की डबल सेंचुरी, विराट को चुना गया मैन ऑफ द मैच। जीत के बाद बोले विराट कोहली, पता था दबाव नहीं झेल पाएगा इंग्लैंड। आज 66 साल के हुए सुपरस्टार रजनीकांत, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। रजनीकांत अपने जनवरी में अपनी फिल्म रईस की रिलीज से पहले राज ठाकरे से मिले शाहरुख खान, एमएनएस चीफ को बताया फिल्म के प्रमोशन में नहीं शामिल होंगी माहिरा खान। मुंबई में शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के साथ देखी फिल्म बेफिक्रे, कहा अपने राखी भाई के बेटे अरमान के लिए देखी फिल्म। अभिनेत्री उर्वशी रावतेला महालक्ष्मी रेसकोर्स में अपने ब्रांड के प्रचार में पहुंची। मुंबई में सोनाली बिंद्रे की डिनर पार्टी में जुटे सितारे, अभिषेक बच्चन समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज हुए शरीक। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बदले आईएसआई चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार बने नए आईएसआई प्रमुख। पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को आईएसआई चीफ के पद से हटाया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का बनाया अध्यक्ष, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का मुख्य खामियाजा। पीओके में नाइजीरिया के मदुगिरु में धमाका, 2 महिला आत्मघाती हमलावरों समेत 3 की मौत, 17 लोग घायल। मोसुल में एक और जिले पर इराकी सेना ने नियंत्रण का किया दावा, आईएस आतंकियों के कब्जे से कराया आजाद।